जी बताइए। सर ये कैंसर है। कहाँ का कैंसर है? जी ये गाल में। अच्छा गले अंदर। ठीक देख लिया। बताइए बताइए। हाँ। संतराम जी। हाँ मुंह नहीं खुलता। कहाँ चिकित्सा करा रहे हो? चिकित्सा रामनवर लोहिया से करा रहे थे। लखनऊ से? जी जी। अच्छा तो आराम आराम है? नहीं आराम तो नहीं है इस समय। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आपके? ऑपरेशन के लिए बोला है। अभी ऑपरेशन नहीं कराया? अभी नहीं कराया सर। कीमो? कीमो लग चुके हैं। ठीक तो कष्ट काफ़ी है जी। आंखें बंद करो। ये शरीर इसका बाहर निकाला जाए जिसको कैंसर है पूरे शरीर। ये शरीर ही बाहर निकाल लिया जाए, बाहर लाया जाए खींच के। मैं रोगों कष्टों के साथ ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इसके बच्चे हुए असर और शेष स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आशाएं, सबके प्राण सब बाहर खींच लिए जाए। शिव इस सब निकाल के सेवकाओं को खिला दिया जाए। कितना गंदा है? गंदा महागंदा सलाह को। गुलाबी खुशबू दी बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना तीन बार। ओम नमः शिवाय बोल। आप देखिए अपना कष्ट हल्का हो रहा। हल्का हो गया? ठीक चलो। कैंसर किसको है? जो प्रणाम है कैंसर किसको भोग रहा है? कौन कैंसर? प्रणाम। पितरों को ऐसे ही मरे सड़के, ऐसे ही सर के मर रहे, मर जाएंगे सड़के भी जब आगे रहेगा तो। अभी वही शरीर निकाल के रिश्वाय कर दिया, अभी आराम में आ गया। चार लाते मार के खिला तो दिया सेवकाओं को, अब आराम हो जाए, कैंसर खत्म हो जाएगा। कुछ किया क्या हमने? दरबार की प्रक्रिया अपनाएगा वैसे कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ एक दिन से चिकित्सा चाहिए उसको, एनर्जी चाहिए वैदिक, नहीं तो डॉक्टर के बाप नहीं कुछ कर पाएंगे। कर तो रहे हैं डॉक्टर, सड़ रहा है उल्टा, मर जाएगा सड़ के। अब हम दरबार कर देगा ये कैंसर खत्म हो जाएगा। रोजे कितने 4 से 10 तो लोग आते कैंसर ठीक होने के धन्यवाद करने, रोज नहीं आते, रोज ही देख तो आप आते थैंक यू करने। हाँ अब ईमो की हो उसको जहर दे के और मार देंगे। अमेरिकी जनरल हमने पढ़ा था 90% कैंसर के पेशेंट कैंसर से नहीं मरते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट से मरते हैं। यस 10% ही कैंसर से मरते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। बिना इलाज कराए वाले लोग जो इलाज नहीं करते हैं वो लंबा जीते हैं। और यहाँ तो देखिए ना, रोग किसी के हैं, कष्ट किसी को है। अब जैसे अभी इन्हीं बच्चे का था, गांव के हैं हमारे, इनके बच्चे का तार आर गिरा वहाँ पर, इनकी लाइन जा रही पीछे, राम कुमार सिंह की लाइन जा रही, उसको तार आर गिर गया। अब वो 11,000 वोल्ट का, बहुत अच्छा बच्चा है वो, आता रहता था कभी कभी देखते थे उसको। तो यहाँ तो हम लोग मन पढ़ते हैं, मन में क्या चल रहा है तुम्हारे पता है हमें, क्या सोच रहे हो, क्या खाए हो, क्या पिए हो, कहाँ जाओगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ क्या बातें कर रहे हो, हमें तो सब पता है, हैं? अब हम देख रहे हैं तो उसका पैर नहीं कटेगा, पैर नहीं कटना चाहिए दोनों,
है ना, पक्का हम लोग देख रहे हैं पैर बिल्कुल नहीं कटेगा। अब डॉक्टर ने काट दिया, एक पैर काट दिया पर। क्यों? डॉक्टर में साले घुसे बैठे हैं रामजादे, इनके बच्चे को खैर हम तुरंत कष्ट दूर करके और उसका जलन जल गया था सब, जलन और कष्ट दूर कराए थे सब, दर्द वगैरह तुरंत कष्ट नहीं होगा जबकि भयंकर। हम गए अस्पताल, शनिवार का दिन था, यहाँ तो भीड़ रहती थी, हम उस दिन भाग के गए, हमें लगा बच्चा यार ये गांव का बच्चा है, किस तरह ये ठीक हो जाए। गलत अस्पताल में चले गए ना, अस्पताल ही गलत है, वो अस्पताल बहुत बेकार अस्पताल है, कानपुर का सड़ा हुआ अस्पताल है और सबसे महंगा अस्पताल है, कानपुर का सबसे महंगा और सबसे सड़ा हुआ अस्पताल है, कोई केयर नहीं। उन्होंने चट से काट दिया, तुम लोग देखे थे उसका पैर देखा था है ना, हाँ वेट करना था, हाँ हील हो जाता वो आ जाता, काट दिया। उनके लिए काटना बहुत सरल है, यहाँ रोज हम कटते पैर बचाते हैं दिन भर है? पाप करने के लिए मजबूर है ना वो, उनके अंदर घुसे बैठे हैं ना, पाप करवाएंगे भोगेंगे भोग बढ़वाएंगे। यहाँ तो ऐसे से हमारे पास तो सर्जन आते हैं, इससे तड़पते हुए पूरा परिवार, खुद ही डॉक्टर आते हैं कितने, एक डॉक्टर साहब आते थे वो एनेस्थी बताया था ना, एनेस्थी से दो उसको, बेहोश हो गया, वो आके छू लेते थे वो हाउस में आ जाता था, अब कैसे करें सर्जरी। डॉक्टर यहाँ पर वहाँ पीलीभीत का बरेली का, हाँ कल था ओटी में पेशेंट लेटा, एनेस्थीसा दिया गया है, एनेस्थीसा दे के बेहोश है, यह वो सुन किया एरिया को, तो जब डॉक्टर पहुँचा ऑडू भेजना पड़ेगा, भेज दोगे तो भेज दो, हाँ भेज दो, हाँ बोल दिया। वो लोग वहाँ हवन करके बैठे ना माइचा में, यही हाल है सिद्धार्थ जी, बहुत बुरा हाल है परंपरा में, बहुत बुरा हाल है, परंपराएं सड़ गई हैं गल गई हैं। देख रहे थे कल ही जिनसे हम बात कर रहे थे आपके सामने, नाम नहीं लेना है, कल बात कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे, अब वो सर्वोच्च लोग हैं हिंदुस्तान के, हिंदुओं में हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे हमें ठीक करो, जहाँ प्राइम मिनिस्टर लेटते हैं पैरों में जाके वो यहाँ लेटे हुए हैं, सोच लीजिए क्या स्थिति है, समझ रहे हैं? ये हाल है परंपरा का, बने बेवकूफ घूम रहे हैं, लश्कर चला जा रहा है बुरा साला, जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, आगे पीछे आए पाए पौ 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 पौ, और समस्या ये दरअसल दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं अपने टेढ़े पर। हाँ बेटा कहाँ से आए, कहाँ से आए हैं? अच्छा गुरु जी प्रणाम, जो है तो हम लखनऊ से आए हैं, असल में आप आका जो है तो इनका पहली बार आया, हम देखा वीडियो देखते हैं तो हम इनके और परेशानी, इनके चले बैठे नहीं पावते हैं और ना बोले पावें, पढ़े के यहाँ बहुत मन करते हैं मगर पढ़े के यहाँ अठवें तक यहाँ सरकारी स्कूल में पास कर दिन, दूसरे में लिखावा गए तो नाम नहीं लिखे रहे, बोले नहीं पाओ तो हंसत बढ़िया साफ है, कोई चीज गिर जाए तो हंसत साफ है, अब परेशान और दैत्य क्या करता, हंसेगा ही क्या करेगा दैत्य जी, और टट्टी रोएगा रुलाएगा जी, दैत्य का काम है रुलाना जी, खुद हंसना वही कर रहा है। हाँ वो तो हंसत मैंने कोई चीज है मगर बोल ही नहीं पाओ साफ है, तुम्हारे को टूट फूट जाए नुकसान हो जाए और हंसेगा, समझ गए? हाँ जितना नुकसान होगा उतना हंसेगा, उतना मौज लेगा। तो बहुत हम परेशान रहे थे, हम तो बहुत परेशान, फर्जी हो गई निके पे जब तमाम पैसा लगा दिया, कौन फायदा नहीं तो हमका मालूम देता है, इसीलिए तुम परेशान रहो, क्या करें डॉक्टर सब कुछ दिखावा जो परेशान भाई, जब कौन ही फायदा भाव तो आप जो है मालूम भाव तो नहीं कराए ना, मार खा के आगे तंबा बन गया इसका, क्या करे पता चला तब हम आए ना, अच्छा करे हो आप बहुत अच्छा काम, जब मालूम भवा तब आना आप तीरा, बहुत अच्छा करो हमारे तीर आए हो तो ठीक है, हो आराम मिली ठीक है, एक आध आराम मिले में 2-3 साल लग जाएगी,
अच्छा जी, गंदा जीवन है इसमें, अच्छा जीवन नहीं, दैत्य है ये। अच्छा हमारी इतना बोली जो है फंसते हैं, हम पढ़ा रहे हो मां जो है बोली में, पता है क्या फंसती है, पता है अच्छे हो जाओगे, ठीक है तुम सब लोग अच्छे हो जाओगे, इसको समय लगेगा, अच्छा 2-3 साल भी लग सकता है इसको। अच्छा चलो खुश रहो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा।